हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की जो वीडियो है वो है, इज रशिया लूजिंग द बिग वॉर? मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं, देखते हैं। ज़ेलेंस्की राइज टू पावर, तो देखते हैं ये वीडियो। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अजीब टाइटल तो बड़ा वो है, क्योंकि रशिया जो है स्ट्रांग बहुत है एज कम्पेयर टू यूक्रेन आर्मी। यहाँ पर यही प्रॉब्लम था कि देखिए, पहले मिस्टर पुटिन को लगता था कि एक दो दिन में जीत जाएंगे, आएंगे फटाफट, आएंगे सिटीज को कैप्चर करेंगे और सिविलियंस की डेथ नहीं होगी। उनका ये प्लान तो यही था कि पहले आएंगे, फटाफट अटैक करेंगे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और गवर्नमेंट को, और वहां पे अंदर घुस के अपने लोग करके काम खत्म। मगर ये उन्होंने देखा कि अरे, यहाँ तो जो सिटीजन है यूक्रेन का वो अगेंस्ट हो गया है, लोगों ने घर में अपनी राइफल रख ली और मिलिट्री इतनी पावरफुल निकली, इन द सेंस कि छोटे हैं, कम हैं, मगर वो काफी रशियंस को टक्कर दे रहे हैं। और उसके बाद जो है अभी 40 मील लंबी कारवां जो है आ रहा है, वो कीव को घेरा करने वाला है। तो यूक्रेन लगता नहीं है कि बहुत देर तक टिक पाएगा, क्योंकि रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है और यूक्रेन में कुछ 16,000 लोग भी आए हैं बाहर से। जैसे डिफरेंट यूरोपियन नेशंस ने कहा था कि जो जाना चाहता है बचाने यूक्रेन को, वो जा सकता है अपनी मर्जी से। और उससे जो है 16,000 के करीब एंटर हुए हैं यूक्रेन में, ये बता नहीं रहे कि कौन सी कंट्री से आए हैं, मगर उनके प्रेसिडेंट ने क्लियरली बोला है कि 16,000 लोग जो है बाहर से आए हैं हमें बचाने के लिए और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। होता है। अच्छा, इससे मुझे वो भी याद आया, जैसे बता रहे थे ना कि उनको लगा था कि भैया आएंगे और जल्दी से हो जाएगा, और मतलब इस टाइप से लोगों की रेजिस्टेंस उन्होंने सोची नहीं थी। क्योंकि एक जो मैंने वीडियो देखी थी सोल्जर की, वो यही बोल रहा था कि हमें तो यही बोला गया था, तुम जाओ, तुम्हें वहां पे बड़ा वेलकम मिलेगा। हाँ। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए पहले बोला था, फिर बोला नहीं, अंदर जाओ, तुम्हें लोग वेलकम करेंगे। और मिस्टर ज़ेलेंस्की जो है, उनको लोगों को लगा था, सबको लगा था कि वो भाग जाएंगे। जैसे यूएसए ने तो कहा था कि भाग जाओ यहाँ से, निकल यूएसए ने कहा था कि आपको वैकेट करा देंगे, जिससे आपकी जान को खतरा है। और उन्होंने कहा था नहीं, मैं तो यहीं पर ही लड़ूंगा, अगर तुमने कुछ हेल्प करनी है तो एमिनेशन भेजते रहो और मैं यहीं लड़ूंगा। तो वो देख के पूरी कंट्री को बड़ा प्राउड फील हुआ है, और जिस तरह से कंट्री फाइट कर रही है, यूक्रेनियंस को लगा है कि उनकी इज्जत रह गई है, क्योंकि वो अब फाइट कर रहे हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। रशिया युद्ध हार रहा है। रशिया के पास दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, और तो और रशिया का लीडर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान। फिर भी क्यों दुनिया के अलग अलग कोनों से खबर आ रही है कि रशिया युद्ध हार रहा है? द रीजन इज दिस मैन, जिसने पुतिन की आंख में आंख मिलाकर कहा कि यूक्रेन रशिया को 1 इंच लैंड तक नहीं देगा। ये है वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का प्रेसिडेंट। सिर्फ एक वायरल क्लिप ने इस इंसान को यूक्रेन का प्रेसिडेंट बना दिया। आधे लोग इसे दुनिया का सबसे ब्रेव प्रेसिडेंट मानते हैं और बाकी इसे एक जोकर कहते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत कॉमेडी से होती है। बस 4 साल पहले ज़ेलेंस्की यूक्रेन के टॉप कॉमेडियन थे। उनका एक स्किट काफी फेमस था, जहां वो अपने कपड़े उतार कर अपने प्राइवेट पार्ट से पियानो बजाते थे। सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम का एक शो था, जिसमें वो एक टीचर का रोल प्ले करते थे। शो का प्लॉट ये था कि ये टीचर एक दिन उठता है एंड रियलाइजेस दैट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। उसे 60% वोट्स मिले हैं। तब किसे पता था कि ज़ेलेंस्की का ये रोल लोग इतना सीरियसली लेंगे कि उसे एक्चुअल में प्रेसिडेंट बना देंगे। ज़ेलेंस्की की एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी, जहां वो यूक्रेन के प्रॉब्लम्स के बारे में बेझिझक स्पीच देते हैं और तो और करप्ट लोगों को गोलियों से उड़ाते हैं। इसी क्लिप ने लोगों को इंस्पायर किया। 2019 में ज़ेलेंस्की को 72% वोट्स मिले और वो प्रेसिडेंट बन गए। कैसे? सोशल मीडिया के इस्तेमाल से। उनका पूरा कैंपेन ऑनलाइन था। तब उनके शो की वजह से उनके पास ऑलरेडी 4 मिलियन फॉलोअर्स थे। दैट्स 10% ऑफ यूक्रेन्स पॉपुलेशन। कई लोगों ने उसे यूक्रेन का डोनाल्ड ट्रंप कहा, क्योंकि इसे पॉलिटिक्स की कोई जानकारी नहीं थी। आप ही सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज नहीं, लीडरशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सीधे एक देश का प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है? लेकिन यही इनएक्सपीरियंस उनकी ताकत बना। ज़ेलेंस्की इलेक्ट होने से पहले यूक्रेन यूरोप का सबसे गरीब देश बन चुका था। इससे पहले यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे,
उनसे जनता तंग आ चुकी थी। उनके अगेंस्ट करप्शन के कई चार्जेस थे। इससे तो कोई भी बेटर हो सकता है। यही सोच के यूक्रेनियन पब्लिक ने एक कॉमेडियन को अपना प्रेसिडेंट बनाया। आज यही कॉमेडियन उसके देश के लिए सबसे सीरियस सिचुएशन फेस कर रहा है। 21वीं सदी में यूरोप की एक हिस्टोरिक वॉर के सेंटर में आज ज़ेलेंस्की और वो ब्रेवली लड़ रहे हैं। पुतिन को लोग दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान मानते हैं। 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स पुतिन की एक इशारे पर लॉन्च हो सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। और यूक्रेन तो रशिया के बगल में है। ये बात जानते हुए भी ज़ेलेंस्की डटे हुए अपने सिटीजंस को कह रहे हैं कि अपने देश को बचाने के लिए वेपन्स उठाओ। ज़ेलेंस्की को यूएस ने एक चांस दिया था युद्ध को पीछे छोड़ यूक्रेन को पीछे छोड़ भागने। उसे कहा गया था कि आप प्रेसिडेंट हैं, आप एक लीडर हैं, आपकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उन्होंने यूक्रेन को छोड़ने से इनकार किया। कहा कि मेरे लिए मेरा देश इम्पोर्टेंट। ज़ेलेंस्की वहीं पर रुके और तो और उन्होंने खुद हथियार उठाए। उन्होंने कहा द फाइट इज हियर, आई नीड एम्यूनिशन नॉट अ राइड। सोचिए इस एक कदम से उन सोल्जर्स का हौसला कितना बड़ा होगा जो अपने देश को रशिया के अग्रेशन से बचा रहे। सिर्फ यूक्रेन के लोगों को नहीं, उन्होंने रशिया के लोगों को भी कहा कि एक वॉर में सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? लोग। फिर वो भले किसी भी साइड को सपोर्ट करते हैं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये वीडियो रशिया से ही है, यूक्रेन इसके बारे में है ही नहीं। ये वीडियो हमें रिमाइंड करता है कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। कई बार एक वॉर में साइड चुनना बहुत डिफिकल्ट होता है। रशिया सिविलियन एरियाज में भी अटैक कर रहा है। सिमिलरली यूक्रेन में भी इस समय जिस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है वो कम्प्लीटली गलत है। लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है कि जब शिप डूब रही होती है तो कैप्टन भागता नहीं। पुतिन ने मिलिट्री को कहा टेक कंट्रोल ऑफ यूक्रेन, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओ और खुद डिसीजंस लो। लेकिन ऑन ग्राउंड ज़ेलेंस्की की ब्रेवरी उनका हौसला बनाए हुए है। यूक्रेन का प्रेसिडेंट रशिया की एग्रेशन को सेल्फीज के थ्रू हरा रहा है, क्योंकि ये सेल्फीज एक प्रूफ है कि वो लीडर भागा नहीं। क्योंकि असल में हमें ये समझने की जरूरत है दैट द वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। रशिया का ये एग्रेशन दुनिया याद रखने वाली, ज़ेलेंस्की की ब्रेवरी दुनिया याद रखने वाली। After all, रशिया अमेरिका जितना तो प्रिविलेज नहीं है कि उनके वॉर क्राइम्स छुप सके। ये वॉर जितनी फिजिकल है उतनी ही साइकोलॉजिकल भी। द रियल वॉर इज वन बाय परसेप्शन। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और रशिया यूक्रेन से जीते या हारे, लेकिन रशिया परसेप्शन वॉर हार चुकी है। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता। वाओ, मुझे इतना नहीं पता था। मुझे कहीं पे थोड़ा सा कहीं आइडिया हुआ था कि शायद एक कॉमेडियन थे और कहीं उन्होंने एक्टर थे, मतलब एक्टिंग करते थे, और कहीं पे उन्होंने प्रेसिडेंट की एक्टिंग की थी और उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए। तो मुझे कुछ बैकग्राउंड नहीं पता था, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या। अच्छा, मेरे को लगा शायद कुछ ऐसे पहले करते होंगे, तो अब उससे क्लैरिटी हुई है। पर जो भी हो, चाहे आप रशिया की साइड हो चाहे आप यूक्रेन की साइड हो, ब्रेवरी ऑफ अ लीडर तो ये दिखाता है कि अपनी कंट्री को फ्ली करके ना जाना जब कंट्री डेंजर में हो। और लग भी रहा है, चांसेस ये हैं कि आप हारोगे, क्योंकि जो कंट्री अटैक कर रही है बहुत पावरफुल है। आज नहीं तो कल हार होनी जो है पॉसिबिलिटी उसकी बहुत हाई है। फिर भी आप नहीं जा रहे हो, वहां अपने लोगों के साथ खड़े हो, मोटिवेट कर रहे हो, दैट इज जस्ट अमेजिंग। राइट, देखिए पॉसिबिलिटी हाई है मगर जिस हिसाब से रिपेल कर रहे हैं वो बहुत अमेजिंग है। और जो मिस्टर ज़ेलेंस्की, उन्होंने बहुत अच्छा किया है क्योंकि वो एक लाइव जैसे टेलीकास्ट करते हैं स्मार्टफोन से, सेल्फी जैसे कह रहे हैं। तो क्या करते हैं वो, अपने लोगों के साथ स्ट्रीट में आते हैं और ये दिखाते हैं। आपको दिख रहा है, सभी यूक्रेन वालों को पता होगी कौन सी स्ट्रीट है यू कर रहे हैं, और पीछे वहां बॉम्ब गिर रहे हैं, वहां पे फट रहे हैं, और वो बातें कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए मैं यही हूं, क्योंकि लाइव उनकी आंखों के साथ हो रहा है। और जो रहते हुए उनको दिख रहा होगा नीचे मिस्टर ज़ेलेंस्की बैठे हैं स्ट्रीट में, चार लोग उनके साथ हैं और ये सब कर रहे हैं। तो उससे डेफिनेटली जो है पूरी कंट्री का बुराल इतना जबरदस्त हो गया कि हमारा प्रेसिडेंट है जो नहीं जा रहा, जो कह रहा है लास्ट मिनट तक लड़ेंगे, तो उससे सभी सोल्जर्स में जान आ गई और रेजिडेंट्स में उनको लगा कि ये हुई ना बात कि हमारी इज्जत का सवाल है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये इररिस्पेक्टिव है क्या हो रहा है, मैं वैसे बता रहा हूं ह्यूमन नेचर के बारे में, कितना जबरदस्त काम किया उन्होंने। और डेफिनेटली जो है एक उनका जो बंदा शहीद हुआ था जिसने पूरा ब्रिज तोड़ा था, उसने जो है काफी डिले कर दिया था रशियंस को, उसके इस रिस्पांस के बाद रशिया ने क्या किया, सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया। जब पहले रशिया का यही था कि बस मिलिट्री को और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को उड़ाएंगे, जब दिखा कि अरे लोग भी हमारे अगेंस्ट हैं, तब उन्होंने क्या शुरू किया, सिविलियंस को मारना। अब वो सिविलियन को शूट डाउन कर रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटीज को बॉम्ब किया था, फिर लोग हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें प्रॉब्लम में आए थे, तो ये सब हो रहा है। और अब जो हमने सुना भी था कि न्यूक्लियर
रात को ऐसे न्यूज आई थी हमारे रात को कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें भी अटैक हो रहा है, तो लोग बड़े परेशान है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। मुझे पता नहीं हुआ क्या, मगर वहां पर भी पूरी फायरिंग में था न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो काफी सिचुएशन खराब हो रही है और आई होप कि ये वॉर का अंत हो। तो वेरी नाइस वीडियो। बताया अ ट्रू लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर क्या होता है, जो अपनी कंट्री के साथ खड़ा रहे एंड तक। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।